हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मिड ब्रेन एक्टिवेटर। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि माय फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक फार्मूला लाया हूँ, जिस फार्मूले से आप अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अमीर बनोगे, करोड़पति बनोगे, मिलियनियर बन सकते हैं। माय फ्रेंड्स, इसको अपने जीवन में उतार दीजिए। माय फ्रेंड्स, आपने अगर कोई बैंक में अगर पैसे डालते हो तो उस बैंक में, उस अकाउंट में मानो आपने 4000 डाला है तो आपका अकाउंट बैलेंस होगा 4000। अगर आपने और भी बैलेंस को क्रेडिट आप करते हो, मानो आपने और भी डाले जैसे 5000, तो आपके अकाउंट में 9000 आपकी बैंक बैलेंस होगा। लेकिन आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी है, आपको 10000 की ज़रूरत है, आप 10000 निकालोगे तो उस समय पे वो बैंक बैलेंस शो करेगा, यू हैव इनसफिशियंट अकाउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह सा हमारा बैंक बैलेंस या हमारा अकाउंट होता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर और एक अकाउंट में आपको खुलवाने के लिए कहूँगा। ये इतना ज़बरदस्त है, इतना पावरफुल है, आप मिलियनियर बन सकते हैं इस तरह का अकाउंट खोल के। वो अकाउंट क्या है? वो है इमोशनल बैंक अकाउंट। इमोशनल बैंक अकाउंट क्या होता है माय फ्रेंड्स? कोई इंसान अगर दूसरे इंसान से मिलता है उस समय पे इनविजिबल एक अकाउंट खुल जाता है, जिसे मैं कहता हूँ इमोशनल बैंक अकाउंट। ये कुछ अकाउंट इस तरह सा है माय फ्रेंड्स, दिखता नहीं है लेकिन पावरफुल है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आप उससे बातें करते हो, एग्जाम्पल उसे आपका नाम पूछते हो, तो उस समय पे आप उसके जो भी आप इंट्रोडक्शन करते हो, उस समय पे आप एक अकाउंट खुल जाता है जो दिखता नहीं है। इट में भी जीरो ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन उस इंसान से आप कहते हो कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो इंसान कहता है कि मुझे ये काम है। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करूँ? तो उस समय पे आप उस अकाउंट में कुछ क्रेडिट कर रहे हो, कुछ डाल रहे हो। अभी होगा कुछ, मानो कि वो दिखेगा नहीं, लेकिन आपने 100 रुपीज़ उसके अकाउंट में डाल दिया, वो इमोशनली होगा। अभी माय डिफेंस, वो इंसान आप उसके साथ बातें करो तो उसका फ़ोन नंबर लेते हो और 2 दिन के बाद उसे आप कहते हो कि सर वो काम हुआ? अच्छा, नहीं हुआ तो मैं और हेल्प करता हूँ, मेरा दोस्त है वहाँ पे, मेरा रिश्तेदार है, मैं आप उससे बोलता हूँ, वो काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। माय डिफेंस, आप उसे वापस से फ़ोन कर दे तो क्या होगा? वो और भी आप उसके अकाउंट में डालोगे और भी आप क्रेडिट करोगे। अभी होगा कुछ ऐसा माय डिफेंस, अभी जो डाला आपने वो होगा 2000, टोटल अमाउंट हुआ हमारा 300। वापस आपने 8 दिन या 15 दिन के बाद फ़ोन किया और जैसे ही बस बातें किया और वो बीच में बोलता है वो इंसान सामने वाला कि मेरा बेटी का बर्थडे है अगले दिन। अच्छा, बेटी का बर्थडे है, वाह। वो नेक्स्ट दिन फिर से फ़ोन करता है और विश करता है उसके बेटी को। अभी होगा कुछ ऐसा, आप उसने बेटी को विश किया आपने, तो क्या होगा? आपने क्रेडिट किया या विड्रॉ किया? ऑब्वियसली आपने क्रेडिट किया। अभी इस तरह से आप क्रेडिट करते रहे और उस बेटी के जन्मदिन पे आपने गिफ्ट लिया 100 रुपीज़ का और उनके घर गए और उस गिफ्ट दिया, तो क्या होगा? आपने और भी क्रेडिट किया है, मानो वो 1000 बन चुका है, पहले भी बना, अभी भी बना, अभी मानो एग्जांपल 1200 रुपये उसके अकाउंट में है। अभी हुआ कुछ ऐसा, वो दिखेंगे नहीं 12000 जो भी 1200 है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, आप रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई, आप गैरेज के पास लेके जाते और कहते कि ये गैरेज गाड़ी को क्या हुआ? वो बोलता है कि आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा, मैं आपकी गाड़ी ठीक करके देता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है, 50 रुपये है, आप क्या करोगे? आपको याद आएगा, अरे मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है जिसके बर्थडे पे दिन में यहाँ पे आया था, यही रास्ता है। आप फ़ोन करोगे और कहोगे मेरी गाड़ी ख़राब है, आप मुझे बोलो क्या वो आपके लिए पैसे का इंतज़ाम करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा माय फ्रेंड्स, वो पैसे का इंतज़ाम करेगा, आपके पास वो पैसा 1000 रुपीज़ ला के देगा। माय फ्रेंड्स, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके ऐड किया, वैल्यू एडिशन किया उसके लाइफ के अंदर। अभी सोच माय फ्रेंड्स, आप इसमें और डिपॉजिट करो, सॉरी क्रेडिट करोगे, कितना सारा अमाउंट बच जाएगा। अभी इसे नेगेटिव मत लीजिए। ऐसा ही अगर अपने लाइफ के अंदर आपने आसपास लोगों की क्रेडिट करते जाओगे, देते रहोगे, तो माय फ्रेंड्स, अगर हर इंसान इस सोच से देगा कि मैं क्रेडिट करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, होगा कुछ ऐसा माय फ्रेंड्स, कुदरत नेचर आपको रिटर्न में बहुत कुछ देगी। माय फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी जो वृत्ति बनेगी, आप इस तरह से जीवन जियोगे, एक दिन ऐसा आएगा माय फ्रेंड्स, आपको कुछ कमी नहीं पड़ेगी। अगर आप सोच बड़ी रखते हो, बड़ा कुछ सोचते हो, माय डिफेंस सोचो, अगर आपने ये नहीं किया, आपने उस पर्सन को निगलेक्ट किया, मानो उस दिन ऐसा हुआ कि आपने उसको निगलेक्ट किया और वो इंसान चला गया, अब बीच वापस वो जाने के बाद आप उसके बारे में नेगेटिव सोचते हो, अरे वो पागल था, वो कुछ काम का नहीं है। अगर ऐसा भी कहते हो तो आप क्रेडिट कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
ऑब्वियसली विड्रॉ कर रहे हो, उसे निकाल रहे हो, वो बैंक अकाउंट, वो इस खाता बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप क्रिएट करते जाइए, क्रिएट करने से देखेंगे आपके लाइफ के अंदर आप प्रोग्रेस पाओगे। अगर दो इंसान मिलते हैं तो कितने इंसान मिलते हैं आपसे सवाल, आप कहोगे दो ही मिलते हैं। आप ये भूल रहे हो कि वो दो इंसान के मोबाइल के अंदर 250 नंबर है। आप मुझे बोलो अभी दो इंसान मिलते हैं तो कितने इंसान मिलते हैं, आप कहोगे 500। आप ये भूल रहे हैं कि वो 250 के मोबाइल में भी और 250 नंबर है, यानी दो इंसान मिल नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया मिल जाती है। हमारे फ्रेंड्स, कभी भी किसी को निगलेक्ट ना कीजिए, हर इंसान के साथ वैल्यू ऐड कीजिए। और इसी वैल्यू एडिशन के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल है, उसे मैं कहता हूँ ट्रेन टू ट्रेनर। आज आपके लाइफ के अंदर मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, आपकी ग्रोथ देखना चाहता हूँ, आपको फाइनेंशियली फ्री करना चाहता हूँ। माय फ्रेंड्स, एक ज़बरदस्त जो समाज की नीड है, बच्चे की साइकोलॉजी और पेरेंट्स की साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हमारा ट्रेन टू ट्रेनर माइंड पावर का प्रोग्राम, जिसके अंदर मिड ब्रेन एक्टिवेशन, हिप्नोसिस, NLP, मेमोरी टेक्निक्स, कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स से बच्चों को और पेरेंट्स को हम जब सिखाते हैं एज अ ट्रेनर, तो उनके लाइफ के अंदर आप वैल्यू ऐड करते हो। अगर कोई इंसान, अगर आपको मार्केट से आपने मोबाइल ख़रीदा, तो वो इंसान आके नहीं कहता है आपको, अगर अरे भाई साहब आपने मोबाइल दिया मेरी लाइफ चेंज हो गई, ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप एज अ ट्रेनर बन और आप लाइफ में उस बच्चों को सिखाते हो, तो वो बच्चा पेरेंट्स कहेगा सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, तो इस प्रोग्राम में ज़रूर आएगा। छोटे बच्चों को जो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो बोल रहे हैं, वो सभी के लिए वैसा जरूरी है, लेकिन इम्प्लीमेंट छोटे बच्चों पे बहुत जल्दी होता है, आपने जैसे बताया वैसा। और वो है भी, क्योंकि वो प्लेन रहते हैं, उनका जो माइंड होता है बहुत अलर्ट होता है, और उससे ज़्यादा वो जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उससे उनको उनकी पूरी लाइफ में विदाउट स्कूल भी वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल उनकी लाइफ में हो सकते हैं। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग ये सेशन जरूर ट्राई करें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स योगेश सर, उन्होंने हमें इतने अच्छी तरीके से गाइड किया हुआ है। मुझे लगता है कि हमने जो आगे जो जर्नी करना है, उसमें योगेश सर हमारे साथ में रहे, और जहाँ पे भी हम कुछ करना चाहें हम योगेश सर के साथ ही करेंगे, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। और ये आगे ये प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, सर के साथ भी अच्छा काम करेंगे। और मेरे दो दिनों का स्मार्ट स्टूडेंट वर्कशॉप किया, उसमें मैंने मिडब्रेन एक्टिवेशन और मेमोरी टेक्निक्स सीखी, उसकी वजह से अब मेरा थर्ड आई ओपन हो चुका है, मैं आंखों पर पट्टी बांधकर देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। स्टूडेंट वर्कशॉप वो मैंने किया, वो दो दिन का था, उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदे मिले, उसकी वजह से मेरे हैंड राइटिंग पहले बहुत डल थी, अब बहुत अच्छे और स्पीड से आ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मैं कुछ भी करता हूँ तो कॉन्फिडेंस से करता हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत बढ़ गया है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ आप भी है वर्कशॉप ज्वाइन करें।